ओम शांति। गुड मॉर्निंग, आपको फिर से स्वागत है आपके ही चैनल पर। एंड आपका चैनल जो कि आपको सत्य ही बताता है, सत्य के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि सत्य सुनने से ही सुख शांति और खुशी मिलती है। सत्य में शक्ति है, सत्य में पवित्रता है। एंड परमपिता परमात्मा सत्य के सागर है, सत्य है, तभी गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, भगवान सत्य है। बिना सत्य के हमारा जीवन अंधकार में है आज, बिना सत्य के आज घर घर में झगड़ा है आज, बिना सत्य के आज देश देश के बीच में झगड़ा है आज। तो जब हम सत्य को पहचान लें, सत्य को जान लें कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही परमपिता परमात्मा का बच्चा है, और अगर हम अपने आप को आत्मा समझें तो हमारी शक्तियाँ, हमारे अंदर सत्यता और बढ़ती जाती है। समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बढ़ती जाती है। तो इसके साथ में आज परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं हमें, आज 11वें दिन के वरदान में आगे बढ़ते हैं। वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा, कि मेरा क्या भाग्य है, मेरा कितना ऊंचा भाग्य है। जब हम सत्य को पहचान लेते हैं तो सत्यता ही हमारे अंदर शक्ति भरती है और हमें बताती है कि हम किस लायक हैं। सब धर्मों में कहा जाता है कि परमात्मा को पहचानने से हम स्वर्ग के वासी बन सकते हैं, शरीर छोड़ना मृत्यु की बात नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ग का रचयिता तो मैं केवल मैं ही हूँ, और मैं ही बता सकता हूँ कि स्वर्ग कब, किस समय, किस रूप में रचा जाता है। हम तो कल्पना करते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि स्वर्ग जाते हैं जब हम शरीर छोड़ते हैं, भगवान को याद किया, या गंगा का पानी अगर मुख में डाला, या अगर हमने परमात्मा को किसी रूप में याद किया तो हम स्वर्ग जाते हैं। लेकिन जब तक हम सत्य को नहीं पहचानते कि परमात्मा है कौन, कहाँ रहते हैं, कैसे हमें वो पवित्र बना करके स्वर्गवासी बनाते हैं, सबसे जरूरी परमात्मा हमें पवित्र बना करके, जब तक परमात्मा हमें पवित्र नहीं बनाते हैं तब तक हम स्वर्ग जा नहीं सकते हैं। तो अगर हमें परमात्मा की ज़रूरत नहीं है तो फिर ठीक है, हम बाकी अलग अलग रास्तों के द्वारा, बोलते ना कि रास्ते काफ़ी हैं, जाना तो एक ही जगह पर है, लेकिन परमात्मा एक है तो रास्ता भी एक ही है जिसके द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो फिर उस रास्ते को हम और पहचाने, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भवा। मुख्य इसमें जो वाक्य है, भाग्य और भाग्य विधाता उनकी स्मृति द्वारा सर्व उलझनों मुक्त और मास्टर रचयिता भव, मास्टर क्रिएटर। विस्तार में है, सदा वह मेरा भाग्य और वह भाग्य विधाता, परमात्मा को और सत्य को पहचानने से ही वह मेरा भाग्य। आज इंसान दुनिया में अपना भाग्य बनाने के लिए धन दौलत और रिश्ते बनाता है ताकि उसको फायदा मिले, उसको भाग्य बने, जिसको कहते हैं कि मेरा भाग्य मैं स्वयं ही बना सकता हूँ अगर मेरे पास में धन हो, मेरे पास में इज्जत हो। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सबसे ऊंचा भाग्य तो उसका है जिसने परमपिता परमात्मा की रचना को पहचान लिया। तो परमात्मा को पहचानना और परमात्मा की रचना को पहचानना कि ये दुनिया शुरू कब हुई और इस दुनिया में परिवर्तन कब होगा, ये पहचानना ही सबसे ऊँचा भाग्य है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है आज, उस सत्य को पहचानना। तो वो मेरा भाग्य है और वह मेरा भाग्य विधाता, परमपिता परमात्मा वह, उनकी उनकी ऊंची स्तुति करना, वो ही है सच्चा सच्चा भाग्य। इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो, ये जो मंत्र है इसके सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। है ना, सत्य को पहचाने से तो खुशी आ जाती है ना, अंदर शांति आती है, सुख आ जाता है। जानना था वो जान लिया,
कि कौन हो आप, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आप किस स्वरूप में हो, आप कब आते हो धरती पर हम सबको छुड़वाने के लिए, मुक्ति देने के लिए। तो वो पहचान लिया, जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया। परमात्मा को पाना मतलब, परमात्मा तो ज्ञान का सागर अनंत है, उनको 100% पहचानना मुश्किल है, लेकिन उनको हल्का हल्का बूंद करके सागर बनता है। तो आस्ते आस्ते पहचानना शुरू किया, तो वाह, पाना था वो पा लिया। इसी अनुभवों में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। तो दुनिया की छोटी छोटी उलझनों में फंसना वो कम हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारे जो लक्ष्य था, दुनिया का लक्ष्य एक ही है, भगवान को पहचानना और पाना, और बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन परमात्मा को पहचान करके वो कर्म करना तो और भी हल्कापन, और भी खुशी होती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सारी शक्तियाँ आनी शुरू होती है हमारे अंदर, और दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। सो उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। यही जो सत्य हमें मिला है वही सबके साथ में शेयर करना, और उन्हें भी उलझनों से निकालना कि भगवान कौन है, किस रूप में है, उनसे शक्तियाँ कैसे लें, उनसे योग कैसे लगाएं, उनसे जुड़ें कैसे, ताकि हमारे पाप जो है ख़त्म होते जाएं और हम आत्माएं हल्की होती जाएं। ना, अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ मैं, परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान का बच्चा स्वयं कौन हुआ, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर हुआ बच्चा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इतना ऊंचा काम परमात्मा ने हमें दिया है। मास्टर रचयिता हूँ, आई एम अ मास्टर क्रिएटर, परमात्मा क्या रचयिता है, हम आत्मा को भाग्य विधाता है, तो मैं भी क्या हूँ, उनका बच्चा हुआ, तो मेरा भी कर्तव्य क्या हुआ, और सब अपने भाई बहनों को परमात्मा की रचना के बारे में बताना, और वो कैसे रचते हैं, और हम अपने जीवन में सुख शांति कैसे लाएं, उसका रचयिता हूँ। इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ। तो ये जब याद होता है मेरा कर्तव्य कितना ऊंचा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, तो फिर छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जो विघ्न आते हैं लाइफ में, कभी धन का विघ्न, कभी संबंध का विघ्न, कभी शरीर की सेहत का विघ्न, ये सारी चीज़ें छोटी लगनी शुरू होती हैं, सूली से कांटा हो जाती हैं सारी बातें। तो छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ। तो ये शक्तिशाली वरदान लेकर के आप आज जाएं, आपका दिन सफल हो, और इसके बारे में और सोचें, और अपने जीवन में खुशियाँ लाएं, और प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के इस ज्ञान को आप अर्जन करें, तो आप सच्चे सच्चे अर्जुन बन जाएंगे, और आप मेडिटेशन सीखें, परमात्मा से योग कैसे लगाना है, मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे बनना है, मास्टर रचयिता कैसे बनना है, और उस खुशी में कैसे नाचें, सत्य को पहचान करके, जो पाना था सो पा लिया, जो जानना था सो जान लिया। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, आपका दिन शुभ हो।